किया जाता है। दो टाइप के स्विचिंग होते हैं, एक तो स्विचिंग होता है, एक लीनियर होता है। तो हम लोग MOSFET को पहले समझते हैं। MOSFET का बेसिक फंक्शन क्या है, एक तरफ इनफ्लो है, उसका कंट्रोल होगा कॉक, ऐसा वाटर कॉक की तरह इनफ्लो होगा, उसका कंट्रोल यहाँ से होगा। अगर ये ऑन हो रहा है तो इनफ्लो का आउटफ्लो क्या है, अभी फुल ऑन है, फुल ऑन ऑफ ट्रिगरिंग कर रहा है। अगर हाफ खुला है तो स्लो होगा, बंद होगा, ये कंट्रोल गेट के थ्रू हो रहा है। जो हो रहा है वो क्या है, ड्रेन सोर्स और गेट, अगर टीएनडी एनपीएन में थोड़ा फर्क होगा, ये सोर्स है, ड्रेन सोर्स, ये थोड़ा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो गेट का कंट्रोल होता है, जैसा गेट को पावर मिल रहा है ये इसके साथ टच होता है, टच होने से क्या होगा, ड्रेन का वोल्टेज सोर्स पे आता है या सोर्स का वोल्टेज ड्रेन पे आता है, एनपीएन और बीएनपी में थोड़ा चेंजेस। नॉर्मल आपने डेस्कटॉप मदरबोर्ड में ऐसे MOSFET देखे जिसका एक लेग हमेशा लेफ्ट साइड वाला गेट ड्रेन सोर्स, ये इनपुट आउटपुट या ये इन या आउट होगा, डिपेंड ऑन योर एनपीएन और पीएनपी चैनल दोनों के ऊपर, ठीक है। अब ये काम कैसा करता है वो देखते हैं। एक लेग इसका एनोड है, एक कैथोड है, डायोड की तरह एनोड और कैथोड, एक लेग एनोड एक लेग कैथोड, और ये आपका, ठीक है। इसमें एन चैनल MOSFET है, पहला एन चैनल में एक तरफ ड्रेन है एक तरफ सोर्स है, एन चैनल में एक तरफ ड्रेन है एक तरफ सोर्स है, और एक तरफ क्या है गेट है, तीन लेग है। नॉर्मल अभी डेस्कटॉप मदरबोर्ड को फिर से समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है, ड्रेन कनेक्टेड टू डायोड कैथोड, ड्रेन डायोड से कनेक्टेड है टू डायोड एनोड, ये ड्रेन का कनेक्टेड है डायोड टू कैथोड और ये एनोड के साथ है। अब MOSFET का फंक्शन क्या, उसका डाटा शीट में आप देख लो तो बता देगा, एन चैनल पावर कितने वोल्ट तक चलेगा, ये 20 वाट कितने एम्पीयर तक ले सकेगा वो, और कितना उसका ओम्स रेसिस्टिविटी है वो, ठीक है। अब 30 वाट से ज्यादा 50 वाट दे दिया तो क्या होगा, उड़ जाएगा एम्पीयर भी, 30 एम्पीयर दे दिया या ज्यादा एम्पीयर दे दिया, तो इसके डाटा शीट में हमेशा आपको देख लेना कितना वोल्टेज क्या है और उसका कौन सा है वो भी यहाँ इसका फोटो है। देखो एन चैनल मतलब क्या है, ठीक है। अब अगर MOSFET को प्रैक्टिकल देखने जाए, अगर मैं गेट पे 0 वोल्ट दे रहा हूँ, देखो ड्रेन पे मैंने 5 वोल्ट सप्लाई दिया कंटिन्यूस, एक ड्रेन को मैंने 5 वोल्ट कनेक्टिविटी दी, कंट्रोल को भी एक मेरे हाथ से मैं रेगुलेट करता हूँ, 0 वोल्ट दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, 2 रहा हूँ, उससे आउटपुट मैं चेक करता हूँ। अगर 0 वोल्ट है मतलब बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा है, 1 वोल्टेज दे रहा हूँ थोड़ा वोल्टेज आ रहा है, 2, 3, 4, 5 एक लेवल है वहां तक पूरा वोल्टेज आ रहा है। देखो डेस्कटॉप MOSFET में ऐसे MOSFET आते हैं अलग अलग जाते हैं, अब लैपटॉप MOSFET में ऐसे MOSFET आ रहे हैं। देखो 4-8 लेग है, 4 ने 4 8 लेग है, ये 8 लेग है, ये नए न्यू MOSFET ऐसे आते हैं जो नीचे से सोल्डर कर दो, ठीक है। ये 8 लेग दिख रहे हैं लेकिन काफी से 3 लेग है, 3 लेग मतलब देखो ये 3 सोर्स एक सर्किल, 1, 2, 3 अंदर से मिले हुए, ये 3 अंदर से मिले हुए, ये 4 अंदर से मिले हुए और ये 1 अलग है, तो डॉट का है इसका, यहाँ पर डॉट है, पहला पिन दूसरा पिन तीसरा पिन, पहले 3 सोर्स चौथा गेट, ये ब्रेक, कौन सा MOSFET यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब MOSFET, ठीक। इसको गौर से देखेंगे, जूम करके अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा, 4 लाइन मिली हुई दिखेगी, 3 लाइन मिली हुई दिखेगी, 1 लाइन मिली हुई, 4 दो MOSFET हर जगह, जहां भी हो वहां पर दो दो MOSFET है, तो यहाँ भी दो MOSFET, दो MOSFET मतलब सिंगल सिंगल, एक हाई एक लो, ऊपर ये दो MOSFET है और यहाँ भी पीछे भी दो MOSFET है, आगे या पीछे होंगे, ये सिंगल है लीनियर MOSFET, वो क्या करेगा 3 वोल्ट तो बना लिया, अब 3 में से 2.5 बना लेगा, 1.5 बना लेगा, वो ये MOSFET, ये गेट अलग है, ये 3 मिला हुआ, ये डॉट है, तो पहले 3 पिन तुम्हारा क्या है सोर्स है और ये तुम्हारा गेट है और ये चारों पिन तुम्हारे मिले हुए, ठीक है, चारों पिन। इसकी तरह यहाँ भी देखो, यहाँ क्या है, ये चारों पिन मिले हैं तो ये एक गेट अलग है, देखो नहीं है नहीं है नहीं है,
ये डॉट यहाँ है तो पहले तीन आपके मिले हुए, देखो चौथा नहीं मिला, ठीक है। तो तीन सोर्स है, ये गेट है और ये तुम्हारे चारों मिले होंगे। देखो अब एन चैनल एसओपी 8 मॉस्फेट को क्या करेंगे, लास्ट डिजिट आपका 2460 × 2, ठीक है। इट मींस एन चैनल मॉस्फेट जैसे 4800, जैसे 4474, 4432, 8484, ये सब नंबर एग्जांपल दिए है मॉस्फेट्स। दोस मॉस्फेट एंडर ओनली फॉर एसओपी 8 मॉस्फेट, एसओपी 8 मॉस्फेट्स, ओके। ये देखो नंबर दिए है, हां ये सब नंबर है। एन चैनल पी चैनल, एन मतलब न्यूमेरिक मल्टीप्लाई बाय 2, पी मतलब नॉट मल्टीप्लाई बाय 2। एक पहले मॉस्फेट हाई मॉस्फेट को गेट देगा, उसके टाइम लेने के हिसाब से देगा, दो देखो 1 2, उसको ऑन करेगा, ऑन करेगा आउटपुट क्या आ रहा है, देखो ये हाई आ रहा है, हाँ ये हाई आया, ओके। फिर क्या करेगा, कुछ सेकंड चलाएगा, उसके लिमिट होगी वहां तक, फिर इसको ऑफ करेगा, चौथा हाई मॉस्फेट को ऑफ करेगा, ऑफ करने के टाइम पे साथ में ही इसको ऑन करेगा एट अ टाइम। तो ये ऑफ हुआ, वोल्टेज खत्म हो गया, अब ये ऑन हुआ तो इसमें जो भी वो पावर है वो क्या हो रहा है, फॉरन डिस्चार्ज हो रहा है, तो प्योर प्योर मिल रहा है। देखो अगर मैं इसको ऑन नहीं करता तो क्या होता, पावर जो होता तो धीरे 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 डाउन होता, न्यू होता, क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो ऑन हो रहा है, यहां से इनेबल सिग्नल आ रहा है, इनेबल से ये क्या बना रहा है, एक बार हाई दे रहा है ये। अच्छा यहाँ पर ड्राइवर आईसी, डेस्कटॉप मदरबोर्ड और कुछ लैपटॉप में ड्राइवर आईसी होती है बीच में, वो कंट्रोल करती है, किसी में ड्राइवर आईसी नहीं होगी, डायरेक्ट रेगुलेटर आईसी दोनों को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर बीच में क्या है, ड्राइवर आईसी, आईबीएम के मदरबोर्ड में जाएंगे या डेस्कटॉप मदरबोर्ड में जाएंगे, वहां पर बीच में ड्राइवर आईसी, ड्राइवर आईसी क्या काम करता है, एजेंट, एक तो डायरेक्ट कस्टमर सेलर्स को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है या बीच में एजेंट के थ्रू जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, ये मैनेज कर रहा है इसका आउटपुट, और आउटपुट फीडबैक भी ले रहा है। यहाँ से हाई लो, देखो हाई ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ चल रहा है, जब ये ऑन है तब ये ऑफ होता है, जब ये ऑन होता है जब वो ऑफ होता है, इस तरह साइकिल चलती रहती है। देखो हाँ ये ऑन हुआ तो करंट आया, ऑफ हुआ तो करंट,